नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग की अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश बाढ़ और भूस्खलन को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही कालीसिंध बांध के गेट भी इमरजेंसी में खोल दिए गए हैं। राजस्थान में बीते रात कई जिले भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण ज़्यादातर बांधों का जल स्तर भी अचानक से बढ़ गया है। कालीसिंध बांध का गेट खोलकर 2473 क्यूसेक पानी दोस्तों निकाल दिया गया है। बीसलपुर बांध में 353.15 क्यूसेक पानी की आवक हुई है। भारी बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। वहीं जल भराव के कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों बता दें, जयपुर, झालावाड़, पाली, झुंझुनू, टोंक, राजसमंद, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, दौसा, उदयपुर और सीकर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई है। पाली जिले में सबसे ज़्यादा बारिश फालना, देसुरी और रानी में हुई है। जयपुर में सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, शाम तक रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान उठ रहा है। इस कारण पूरे प्रदेश में दोस्तों अब अच्छी बारिश होने वाली है। वहीं साथियों बता दें, पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली और उदयपुर, जालौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथियों बता दें कि अब की बार जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, यहाँ पर जमकर बरसात हुई है। यहाँ पर दोस्तों रेत उड़ती थी, लेकिन अब की बार दोस्तों रेत के धोरों में ही नाव चलाने की नौबत आ गई थी। नागौर दोस्तों बता दें कि नागौर में भी बीती रात जमकर बरसात हुई है। तो वहीं श्रीगंगानगर और बीकानेर के खाजूवाला में दोस्तों इतनी जबरदस्त बरसात हुई थी कि सेना की भी मदद लेनी पड़ गई। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।